हेलो दोस्तों, देखिए आज ही मैंने पालक लिया है, बथुआ लिया है और मेरे पास चार पांच शलजम थी। मैंने ये शलजम ली है, तो वैसे अभी शलजम नहीं खाता है, लेकिन मैंने कुछ इस तरीके से बनाई है जो उसे बहुत ही अच्छी लगी और टेस्टी भी बहुत थी। तो मैंने इस शलजम को अच्छे से धो लिया था, फिर इसको छील के इनको कट कर लिया क्यूब वाली शेप में। इनको अच्छे से कट करने के बाद अब मैं जो बथुआ लिया था उसको भी अच्छे से बारीक बारीक कट कर लेती हूँ, क्योंकि अगर बारीक बारीक कट करेंगे वो अच्छे से मैश भी हो जाता है और कटिंग भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, उसको अच्छे से शेप में कट करना, ये बहुत ही सही होता है। अब ये सब एक जगह मिक्स कर लेते हैं। मैंने इसमें शलजम डाली थी, इसी में मैंने वो जो पालक लिया था वो डाल दिया। अब मेरे पास थोड़ा सा बथुआ भी पड़ा था, मैं गांव से लेके आई थी जो बथुआ, मैंने सोचा ये भी इसी में डाल देती हूँ। वैसे ये जो रेसिपी है वो मैंने फर्स्ट टाइम ही बनाई थी, लेकिन इतनी अच्छी बनी कि बार बार खाने का मन करेगा। तो देखना, मैंने इसमें बथुआ भी डाल दिया, पालक भी और शलजम भी, और ये मैंने इसमें कुछ लहसुन भी डाल दिया। अब आती है प्याज की बारी। प्याज जो है, जो अब प्याज आए हुए हैं उनको ऐसे ऐसे लग रहा है कि ये इनको बस बो दो, ये जड़े हुए हैं सारे। तो मैंने इनको फिर इनका ये हरा हरा सा ये भी इसी में डाल दिया। फिर छौंक के लिए मैंने प्याज कट किए, तो प्याज किसी भी साइज में कट कर लो, बारीक मोटा अच्छे से छौंक होना चाहिए बस। तो प्याज भी कट हो गए हैं, मेरा सारा सामान रेडी हो गया। तो अब आग जला के हम इसमें कुकर चढ़ा देते हैं। तो कुकर में हम इसमें बनाएंगे सरसों के तेल में, क्योंकि सरसों का तेल भी बहुत ही अच्छा और हेल्दी होता है। ये देखा, मैंने बाउल भर दिया सब चीज़ों का कटिंग करने करके और कुकर चढ़ा दिया। इसमें मैंने सरसों का तेल भी डाल दिया। इतना सरसों का तेल अच्छे से गर्म होता है। इतने में कुछ दो टमाटर लिए, दो टमाटर को काट के और फिर इनको मैं मिक्सी में बारीक कर लूँगी, ताकि टाइम बच जाए और अच्छे से मसाला भी रेडी हो जाए। अगर मैं इनको कट करती हूँ तो इनमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो अगर इनको हम पीस लेते हैं तो वो थोड़े से टाइम में ही अच्छा बन जाता है। देखो तेल कितने अच्छे से गर्म हो गया। अब हम इसमें जीरा डालते हैं। जीरा डालने के बाद इसमें हम डालते हैं प्याज। तो प्याज डाल के फिर हम इनको थोड़े से भूनते हैं, हाई फ्लेम पे हम इनको अच्छे से भून लेते हैं प्याज को। आप चलाते रहते हैं ताकि प्याज ऐसा ना हो कि नीचे वाले अच्छे से भुन गए ऊपर वाले कच्चे रह गए। इनको बार 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 चलाते ही रहते हैं। फिर प्याज भुन गए हैं तो अब हम इसमें थोड़े से मसाले डाल देते हैं। सबसे पहले मैंने नमक डाला है, फिर इसमें डाली है कलर वाली मिर्च। कलर वाली मिर्च डालने के बाद मैंने इसमें डाला है चिकन मसाला। चिकन मसाला के बाद मैंने इसमें डाला है धनिया पाउडर, और फिर मैंने इसमें डाली है तीखी मिर्च। तीखी मिर्च डालने के बाद मैंने इसमें डाली है हल्दी। हल्दी जो है यो मेरे घर से आई थी, मेरी सासू माँ ने इसको घर उगाया था और फिर सुखाया और फिर पीसा, बहुत ही अच्छी हल्दी है। फिर मैंने इसमें डाला है जो टमाटर की प्यूरी बनाई थी, वो मैंने थोड़ी सी बचा ली है क्योंकि मुझे इसके साथ दाल भी बनानी है, क्योंकि एक सब्जी तीखी हो जाए तो एक दाल भी ज़रूरी होती है। तो मैंने इसमें थोड़ी सी ही टमाटर डाले थे। अब डालने के बाद इनको अच्छे से पकाते हैं ताकि तेल ये जो है अच्छे से छोड़ जाए, मसाला भी पक जाए, टमाटर भी पक जाए और तेल भी निकल आए। तो वो निकालने के बाद देख सकते हो आप ये कितने अच्छे से पक रहा है। और फिर मैं इसमें डालती हूँ थोड़ी सी दही। ज़्यादातर मैं सब्जी में दही ही डालती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है। थोड़ी सी दो तीन चम्मच दही डाल दो या फिर नींबू का रस भी डाल सकते हैं। मैंने इसमें दही डाली है। दही से क्या है कि ये अच्छे से कलर भी छोड़ देता है और ये ग्रेवी भी बहुत अच्छी बन जाती है। उसने फुल अच्छे से तेल छोड़ दिया है। अब इसमें क्या है कि अब इसमें हम कोई भी सब्जी ऐड कर सकते हैं। देखो मैंने पालक, बथुआ और शलजम ये मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब क्या है कि अब ये अच्छे से मिलके ना इनमें अच्छे से मसाला भर जाएगा। इनको अच्छे से चलाते हैं, मिक्स करके थोड़ी सी देर इनको
हाई फ्लेम पे हम ऐसे भूनते हैं ताकि पालक शलजम अच्छे से खुल जाए मसाले में। पानी नहीं डालते, पानी थोड़ी सी देर बाद डालते हैं। उनको पहले ऐसे ही हाई फ्लेम पे चलाते रहते हैं। मैंने इसमें लहसुन भी पूरा ही डाला है, कट नहीं किया है मैंने। देखो इसे अच्छे से भून लिया है थोड़ी सी देर। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी हम इसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे ताकि हमारी 3 से 4 सीटी इसमें लग जाए। जो शलजम होती है वो थोड़ी सी टाइट होती है, वो गलने में थोड़ा सा टाइम लेती है, इसलिए हम इसमें 3-4 सीटी तक लगाएंगे। इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी एक्स्ट्रा डाला है। पानी डालने के बाद इसमें इसको हम फिर इस पर ढक्कन लगा देते हैं। ढक्कन से कर देते हैं और इसमें कम से कम 4 सीटी आने तक इसको छोड़ देते हैं। तब तक इसमें 4 सीटी आती है तब तक मैं इधर दाल की तैयारी कर लेती हूँ। मसूर की दाल बनानी है पतली सी, क्योंकि वो ज़्यादा टेस्टी लगती है रात के खाने में। और मसूर की दाल और एक सूखी सब्जी में मज़ा ही आ जाता है। आप देख सकते हो कि मैंने अच्छे से मसूर की दाल को बहुत अच्छे से धो लिया है। कोई भी दाल हो अच्छे से ही धोनी चाहिए ताकि उसके जो ऊपर गंद लगा होता है वो निकल जाए। धो के इसको 2-3 बार 4-5 बार जब भी लगे कि साफ पानी आ गया है तब तक धोते हैं। धोने के बाद इसको भिगो के रख देते हैं थोड़ी सी देर। इतने भिगो देते हैं इतने प्याज लहसुन सब रेडी नहीं होता, इतने उसको भिगो देते हैं। खूब सारा भर भर के लहसुन डालो। सर्दियों में लहसुन बहुत अच्छा होता है खाने में डालना। अदरक भी डाला जाता है लेकिन वो मुझे टेस्टी नहीं लगता, इसलिए मैं नहीं डालती इसका। और ये इसमें 3-4 सीटी लगने के बाद मैंने इसको मैश कर दिया अच्छे से ताकि इसमें पता ना चले कि शलजम पालक क्या क्या है। और ये खाने में बहुत टेस्टी था। ये मेरी रात का खाना था, बाजरे की रोटी, दाल और आलू शलजम। देखने के लिए थैंक यू। बाय बाय।